हो और मेहनत हो तो इंसान को मंजिल मिल जाती है, और पुख्ता इरादे तो यकीनी तौर पे आपको मंजिल तक ले जाते हैं। हम ऐसे नौजवान की बात कर रहे हैं जो समहाउ हमारे शो का हिस्सा रहे थ्रू आउट इस जर्नी, और हम उनको ऑफ एंड ऑन आपके साथ उनकी मुलाकातें करवाते रहे। वी टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड बॉय शेरोज काशिफ, और कम उम्र में 8,000 से बुलंद तरीन तकरीबन सभी चोटियाँ सिर्फ दो रह गई हैं, सर कर चुके हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और अब वो अज़्म रखते हैं कि 14 की 14 चोटियाँ इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि इसमें से 12 मुकम्मल हो गई हैं, दो रहती हैं। आजकल वो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने के लिए अपने कहना चाहिए रखते सफ़र बांध चुके हैं। शेरोज़ काशिफ ने मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब से उनके प्रोग्राम कारवां सराय में मुलाकात की, गुफ्तगू की, और बताया कि अब वो कौन सी जो दो चोटियां वो रह गई और सर करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि कैसी चोटी चोटी भी है जिसको वो दोबारा सर करेंगे। शेरोज़ काशिफ की मोटिवेशन क्या आती है इस मौके पर, ज़रा सुनिए। पहले पाकिस्तान से मैं जाऊँगा नेपाल, नेपाल से हम लोग जाएंगे गोरखा विलेज के अंदर, वो मनासलू को क्लाइम करेंगे। एक दफ़ा मैंने मनासू को दोबारा क्लाइम करना है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तिब्बत चाइना साइड पे जी इंशाल्लाह, और तब तक ये शो ऑन एयर हो चुका होगा जब तक मैं इंशाल्लाह आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम लोग चोयू करेंगे, चोयू क्योंकि 13 हाईएस्ट माउंटेन है, उसके बाद फिर शीशा पंगमा करेंगे, और उसके बाद फिर सर खाली आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 एंड यू विल बी द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14। यस, क्योंकि मैं आपके पीछे पीछे चला रहा हूं, मेरे पीछे पीछे हैं। मुझे याद है जब आपने प्रेडिक्शन की थी 2016 में या 17 में, व्हेन आई क्रॉस खुर्दुपीन पास, तो आपने आपके अल्फाज थे अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, और आपने कहा था कि बेशक मैं हूँ ना हूँ, शेरोज़ विल बी द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू डू एवरेस्ट। और जब मैं एवरेस्ट में पहुँचा था मैंने कहा था कि सर आज मैं एवरेस्ट पे पहुँच गया हूँ, और जिस बूढ़े का आपने मुझे बताया था वो मेरे आगे था और मुझे खींच के यहाँ पे लेके आया। तो सर मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, और आज मेरे लिए ऑनर की बात ये है कि मैं ऑन एयर इस तरह आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ इसी मौजू पे जिसके आप मास्टर हैं पाकिस्तान। शेरोज काशिफ अकेले चोटियाँ सर नहीं करते बल्कि तारड़ साहब भी उनके साथ होते हैं, और वो भी शेरोज के बकौल चोटियाँ सर कर रहे हैं। शेरोज काशिफ का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ जो 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ सर करने जा रहे हैं, और इससे कबल एक्सप्रेस न्यूज़ को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, और कारवां सराय में गुफ्तगू करते हुए शेरोज ने ये भी बताया कि 12 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करते हुए उन्हें मुश्किल हुई, और कौन सा ऐसा पहाड़ था जहाँ मौत को सबसे करीब देखा उन्होंने। हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि रियलिटी, बिकॉज जब आप आपको पता होता है ना कि आप मरने लगते हो तो उससे पहले ही आप मर चुके होते हैं। अच्छा, यू फेल्ट के द डेथ इज नियर। हाँ जी, मतलब मैंने बस आई क्लोज माई आईज और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार दिस इज द एंड। तो और मुझे एक साइड पे इस चीज़ की खुशी थी कि यार एटलीस्ट मेरी मौत का कोई स्टैंडर्ड है कि यार नांगा पर्वत पे कैंप 4 पे कहाँ पे नसीब होती है इस तरह की चीज़। मौत को करीब से देखा और तसव्वुर कर लिया कि बस अब आ गई है मौत, कुछ नहीं हो सकता। तारड़ साहब ने शेरोज़ काशिफ को दुआया कलिमात क्या कहे वो भी ज़रा सुनिए। मैं आपको हल्फे मामूल, हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं, और वो पंजाबी विच कहंदे ने कि इंशाल्लाह तुम तत्ती हवा ना लगे, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ तो बर्फ़ होगी, तो मैं यही दुआ मांग सकता हूँ कि इंशाल्लाह तेनों ठंडी हवा ना लगे, इंशाल्लाह जिस पहाड़ के आगे तुम जाओ वो सरनगूं हो जाए,